गहलोत सरकार पर भड़के आचार्य प्रमोद, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर साधा निशाना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो जल्द ही पार्टी छोड़कर कोई नई राह तलाश सकते हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और उनके निशाने पर हैं गहलोत सरकार, जिस पर वो ना जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। राजस्थान के सीएम गहलोत पूरी तैयारी में हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में सीएम गहलोत बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए सीएम गहलोत ने लिखा है, अध्ययन लेखन मनन 2030 का मिशन। अब इस तस्वीर पर जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद की नजर पड़ी तो उन्होंने सीधा सीधा सीएम गहलोत के इस ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। अब जिस तरीके से आचार्य प्रमोद ने अपने ही पार्टी के सीएम की पोल खोल दी, उसको लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं। और इसके अलावा भी जो आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया है वो भी सीधा सीधा कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। दरअसल एक यूजर ने सवाल किया कि अगर आचार्य प्रमोद जी को भी CWC में जगह मिलती तो इससे अच्छा संदेश जाता। समझ नहीं आता कि आखिर कांग्रेस क्यों CWC में एक हिंदू संत को जगह नहीं दे रही है। इसके जवाब में आचार्य प्रमोद ने लिखा, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ आचार्य प्रमोद ने किन बड़े नेताओं की बात की ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि कांग्रेस के ही नेताओं को उनसे चिढ़ है और एक तरीके से आचार्य प्रमोद ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, जहां एक यूजर ने आचार्य प्रमोद को नसीहत देते हुए लिखा है कि आचार्य जी अब कुछ बिना सोचे समझे चुपचाप भाजपा में आ जाइए और यहीं पर अपना बाकी का समय गुजारिए, क्योंकि कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है। मैं मानता हूं कि आपके विचार अच्छे होते हैं, कई बार मैंने आपको सुना है। दूसरे यूजर ने तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ही टैग करके सवाल कर दिया, ये क्या हो रहा है, प्रमोद कृष्णन किस पार्टी का सदस्य है। एक और यूजर ने सवाल करते हुए लिखा है, पार्टी छोड़ने की तैयारी। एक और यूजर ने लिखा है, आचार्य जी आप भी घर वापसी कर ही लो, बीजेपी वाले मना नहीं करेंगे। अब जनता आचार्य प्रमोद को बीजेपी में शामिल होने की सलाह दे रही है। हालांकि आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर कि राजस्थान की राजनीति में इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों में बीजेपी भी भ्रष्टाचार को लेकर अशोक गहलोत पर हमलावर रहती है। वहीं सूबे में खनन माफियाओं की भी कमी नहीं है। इसके अलावा राजेंद्र गुड़ा भी विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंच गए और दावा किया कि इसमें गहलोत सरकार द्वारा किए गए काले कारनामों के राज दफन हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आचार्य प्रमोद का अगला स्टेप क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं।